नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। अटेली कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर पीला पंजा चल ही गया। इसका विरोध कर रहे लोग खोखे संचालक हैं, जो पिछले कई सालों से अपनी दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन इनका यह रोजगार भी अब इनसे छिन गया है। और आइए अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। नेशनल हाईवे के निर्माण के चलते सड़क मार्ग को चौड़ा करने का कार्य किया जाना है, साथ ही सड़क के दोनों ओर टाइल लगाकर शहर का सौंदर्यकरण का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जाना है, लेकिन खोखे संचालकों का कहना है कि उनका रोजगार उनसे छीना जा रहा है। इसी कारण खोखे संचालकों ने विरोध किया, लेकिन अटेली थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। इसके बाद खोखे हटाने की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार। दिन को और हमारे क्या लेंगे, सच्चे बारह बारह फुट पर लगा रखी है। दुकानदारी में उधार भी होती है, कुछ तो टाइम दो, साल छह महीने का हमारी। जब शहर इतना बढ़िया बनने लग रहा है, ये सारे रोड इतना चौड़ा रोड बिल्कुल भीड़ा कर दिया, उसके लिए भी यार ये कोई तरीका थोड़ी, आप लोग समझाओ इन लोगों को। जो निमान है पर्चा दर्ज कराओ,